बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। हमारा लेक्चर नंबर 7 है आर्टिकल राइटिंग का, उसके बाद हमारा एक लेक्चर रह गया। आज बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स के बारे में बात करने लगी हूँ, कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी। है तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जमानों में जब कीवर्ड सॉरी आर्टिकल लिखे जाते थे तो वो कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा की जाती थी। तब गूगल का रैंकिंग का जो एल्गोरिदम था ना, वो कीवर्ड स्टफिंग करता था। कीवर्ड स्टफिंग वाले जो होते थे ना आर्टिकल्स, उनको जल्दी रैंक करता था। अब गूगल जो है कीवर्ड डेंसिटी पे फोकस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टफिंग और डेंसिटी में फर्क क्या है। स्टफिंग क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? लोडेड। आप अगर किसी चीज में अक्सर फास्ट फूड खाते हैं तो कहते हैं इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज्यादा स्टफिंग हुई है। स्टफिंग मीन लोड करना। पहले जमानों में आपका आर्टिकल जो था, यानी कि कंटेंट जो होता है वो लोडेड विद कीवर्ड्स होता है। एक कंटेंट में बार 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 कीवर्ड यूज करना, पैराग्राफ में भी बार 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 आपका कीवर्ड आता जा रहा है। इंटरनेट इज दिस, इंटरनेट इज दिस, इंटरनेट इज दिस, बार बार आपने कीवर्ड जो है यूज किया। तो वो पहले तो ये जो था गूगल इसको रैंक करता था, पर अब गूगल इसको रैंक नहीं करता, गूगल इसको पसंद नहीं करता। गूगल कहता है कि क्या यार, तुमने कीवर्ड्स का ही गंद डाला हुआ है, बाकी बात भी करो। और गूगल इसको अब फेक स्ट्रेटेजी के तौर पे भी लेता है कि फेक स्ट्रेटेजी अपने कंटेंट को जल्दी रैंक करवाने के लिए। सो अपने कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड करना है। कीवर्ड डेंसिटी, अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? परसेंटेज ऑफ टाइम अ कीवर्ड अपीयर्स, कीवर्ड का एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जिसके लिहाज से उसको यूज किया जाता है। आप गूगल करेंगे फौरन से आपको बताएगा ऑप्टिमम डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी फौरन से बताएगा। 1 to 2% आपकी जो है ना ऑप्टिमम कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। 1 to 2% का क्या मतलब होता है? आप परसेंटेज लेते हैं 100 में से, तो इट मीन्स आपके 100 वर्ड जो है उनमें एटलीस्ट 1 or 2 times आपका कीवर्ड होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ जो है अगर 50 words का है तो उसमें एक दफा आपका कीवर्ड होना चाहिए। इसी तरह आपका सेकंड पैराग्राफ भी 50 words का, तो एक दफा वहां पे होना चाहिए। बहुत ज्यादा कीवर्ड नहीं यूज करना, कीवर्ड की डेंसिटी को प्रॉपर ऑप्टिमम रखना है। बहुत ज्यादा भी आपको जरूरत पड़ रही है, हो जाता है ऐसे, आपका कंटेंट ऐसा होता है कि समटाइम्स आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो आप 3 या 4 दफा यूज कर लें। बस उसको स्टफ नहीं करना, उसको लोड नहीं करना कि 2-3 लाइनों बाद फिर 2-3 सॉरी वर्ड्स के बाद फिर से आपका इंटरनेट 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 हो जाए। तो लोग जो है एक तो गूगल को भी उसको, गूगल आपका जो है ना आप जो भी अपलोड करते हैं उसको पूरा का पूरा पढ़ता है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली रैंक करता है। अच्छा लिखा हो तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ रैंक कर देता, उसको प्रॉपर पढ़ता है, गौर करता है, फिर रैंक करता है। तो आपने जो है अगर आपने अच्छी तरह से कीवर्ड यूज किया होगा तो उसको अच्छा लगेगा, हर चीज उसके मुताबिक यूज की होगी, उसको पसंद आएगा। उसका एक पूरा एल्गोरिदम होता है जिसमें आपका कंटेंट जो है वो जाता है और वो फिर उसमें ऑप्टिमाइजेशन होती है, फिर चेकिंग होती है, फिर वो उस लिहाज से पसंद करता है गूगल, तो फिर अपलोड होता है। तो आपको ऑप्टिमम डेंसिटी मैंने बता दी है और स्टफिंग के बारे में बता दिया। हमारा छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स, आपने इनको याद रखना। थैंक यू सो मच।